बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज़ अवर सेवंथ लेक्चर ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम कोर्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ द बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर। आई एम इंजीनियर मोहम्मद फैसल खान, कोऑर्डिनेटर एंड लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। द टॉपिक ऑफ लेक्चर 7 आर द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, the constituents of steam thermal power station and the basic working principle of the steam power station. आज हम ये तीनों topics पढ़ेंगे। So first one is the efficiency of steam power plant. So the overall efficiency of a steam power station is quite low, about 29%, due to mainly the following two reasons. Firstly, a huge amount of heat is lost in the condenser, and secondly heat losses occur at various stages of the plant. आपकी जो स्टीम पावर प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो तकरीबन 29% है, दो रीजंस की वजह से। पहला ये कि जी आपका कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर में बहुत ज़्यादा हीट लॉस अकर होता है, और दूसरी बात ये है कि आपके मुख्तलिफ स्टेजेस पर हीट लॉसेस अकर होते हैं। द हीट लॉस इन द कंडेंसर कैन नॉट बी अवॉइडेड, it is because heat energy cannot be converted into mechanical energy without temperature difference. The greater the temperature difference, the greater the heat energy converted into mechanical energy. This necessitates to keep the steam in the condenser at the lowest temperature. But we know that greater the temperature difference, greater is the amount of heat loss. This explains for the low efficiency of such plant. आपके टेम्परेचर डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है, और जितनी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी हीट जो है, हीट एनर्जी आसानी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसका क्या होता है कि जितनी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो उतनी हीट लॉस ज़्यादा होती है, सो इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम पड़ जाती है। अच्छा, फिर है आपकी थर्मल एफिशिएंसी। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हीट इक्विवेलेंट of mechanical energy transmitted to the turbine shaft to the heat of combustion of coal is known as thermal efficiency of steam power plant. तो देखें इसके डिफिनीशन को देखें आप फिर दोबारा से, कि आपके पास जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट होती है टू द शॉफ्ट को, तो वो जब आप डिवाइड करते हैं जो कम्बस्शन ऑफ कोल से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट इज अबाउट और अप्रॉक्सीमेटली 30%। इट मींस दैट इफ 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज सप्लाइड बाय कोल कम्बस्शन, देन द मैकेनिकल एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 30 कैलोरीज विल बी अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट एंड रेस्ट इज लॉस्ट। अगर आप 100 कैलोरीज एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 कैलोरीज के इक्वल जो कि मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टर्बाइन पे आपको, टर्बाइन शाफ्ट पे एज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, बाकी 70 कैलोरीज जो है हीट एनर्जी वो लॉस हो जाती है। इट मे बी इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मोर दैन 50% ऑफ द टोटल हीट ऑफ कम्बस्शन इज लॉस्ड इन द कंडेंसर। और ये आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 50% 50% जो आपके पास टोटल हीट ऑफ कम्बस्शन है वो कंडेंसर में लॉस्ट होती है। द अदर हीट लॉसेस अकर इन द फ्लू गैसेस, रेडिएशन, ऐश एक्सेट्रा, बाकी स्टेजेस पे भी मुख्तलिफ हीट लॉसेस अकर होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज़ क्वाइट लो, विच इज़ कैलकुलेटेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 30%, जो कि 30% तकरीबन हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ओवरऑल एफिशिएंसी, सो द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट, क्योंकि एक स्टीम पावर प्लांट का आउटपुट आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और उसका इनपुट क्या होता है, जब आप कोयला कंबस्ट करते हैं, उसको जलाते हैं, कंबस्टन प्रोसेस के पास जो हीट एनर्जी आपके पास पैदा होती है, सो द आउटपुट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। सो हेयर यू कैन डिफाइन एज द ओवरऑल एफिशिएंसी एज द रेशो ऑफ द हीट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू द हीट ऑफ कम्बस्शन ऑफ कोल इज नाउन एज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट। वही बात होगी, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर स्टेशन इज अबाउट 29%, एंड इट मे बी सीन दैट ओवरऑल एफिशिएंसी इज लेस देन द थर्मल एफिशिएंसी। दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस सम लॉस इज अबाउट 1% अकर इन द अल्टरनेटर।
और ये ओवरऑल एफिशिएंसी आपके पास 29% जो कि 30% से कम है क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने थर्मल एफिशिएंसी में हम अल्टरनेटर सेक्शन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन ओवरऑल में आपका अल्टरनेटर जो सेक्शन होगा मतलब आपके पास जब मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है शाफ्ट पे और फिर वो अल्टरनेटर के साथ आप एक टरबाइन को कपल करते हैं, तो आपके अल्टरनेटर जब घूमता है तो वहाँ पर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल। तो उस प्रोसेस में जब आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पर भी 1% लॉसेज अकर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो कम पड़ जाती है। सो द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट अमंग द वेरियस एफिशिएंसीज। आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी किस चीज़ के बराबर होगी जी? थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी वो है जो आपके पास कोल स्टोरेज से लेकर बॉयलर में आप कोयला कंबस्ट करते हैं, उसके बाद सारे प्रोसेस से होकर आपके पास टर्बाइन शाफ्ट पे जो मैकेनिकल एनर्जी आती है वहाँ तक की एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ये थर्मल एफिशिएंसी इनटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रिकल, तो ये आपके पास अल्टरनेटर का जो सेक्शन होगा, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी। अच्छा, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज इन द स्टीम पावर प्लांट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्टीम पावर प्लांट, मतलब स्टीम पावर प्लांट पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से सेक्शंस हैं, वो ज़रा आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। अ मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन इज़ हाईली कम्प्लेक्स। हाँ, रिमेंबर दैट के आजकल का जो मॉडर्न जो जदीद स्टीम पावर स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा उसका सिस्टम कम्प्लेक्स होता है एंड हैज़ न्यूमरस इक्विपमेंट एंड एक्सिलरीज, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके इक्विपमेंट्स हैं और उसके साथ ऑक्सिलरीज लगे होते हैं। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द स्टीम पावर प्लांट आर, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो मोटी मोटी जो आपके पास सिस्टम्स हैं जो कि पार्ट्स हैं वो क्या है? स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट है आपके पास, वो इक्विपमेंट जो कि स्टीम जनरेट करके देते हैं। नंबर टू इज़ कंडेंसर। कंडेंसर एक अलग से एक उसका फंक्शन है, काम है कि जी वो कंडेंस करता है स्टीम को। नंबर थ्री प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इज़ एक्चुअली स्टीम टर्बाइन हो गया आपके पास। नंबर फोर इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपके पास वाटर को किस तरह ट्रीट करते हैं, उसकी फिल्ट्रेशन, उसकी कूलिंग, उसकी सेटिंग, उसकी पंपिंग, उसकी फीडिंग इनटू द इकोनोमाइजर, ये मुख्तलिफ आपका हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डेफिनेटली आपके पास मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, बस बार्स है, आपके पास एक्साइटर लगा हुआ है, मुख्तलिफ आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। तो दिस इज़ द फिफ्थ इक्विपमेंट सेक्शन, या मतलब आप पांचवा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। नंबर वन इज़ स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। बिल्कुल जी, स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट जो है आपके पास सबसे अहम तरीन पार्ट है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द जनरेशन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एंड इंक्लूड सच आइटम्स एज बॉयलर, बॉयलर फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर एंड अदर हीटिंग रिक्लेमिंग डिवाइसेस। आपके पास जो स्टीम जनरेटिंग इक्विपमेंट है उसमें कौन कौन से फिर फर्दर इक्विपमेंट्स हैं? बॉयलर है आपके पास, बॉयलर फर्नेस है, जहाँ पर बॉयलर फर्नेस का मतलब ये है कि जहाँ पर आप कोयला जलाते हैं और उससे हीट एनर्जी लेते हैं, भट्टी है आपके पास, फर्नेस है, सुपर हीटर है। सुपर हीटर आप पिछले लेक्चर में हम पढ़ भी चुके हैं कि जी सुपर हीटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द वेट स्टीम इनटू ड्राई स्टीम, जो कि आपके पास स्टीम जनरेट करते हैं बॉयलर से, उसकी टेम्परेचर को रेज करने के लिए और उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए सुपर हीटर यूज़ होता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? ये आपके पास जो हॉट फीड वाटर है वो बॉयलर को देता है, और इकोनोमाइजर से फ्लू गैसेस पास होते हैं और आपके पास पानी जो है उसका टेम्परेचर रेज करके वो दोबारा बॉयलर में फीडअप करता है। एयर प्री हीटर होता है। एयर प्री हीटर क्या होता है कि जी एयर को सक करता है थ्रू ड्राफ्ट फैंस एंड इट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर सो दैट बर्निंग प्रोसेस जो है आपकी फास्ट हो, क्योंकि फायर के लिए या बर्निंग जो प्रोसेस होता है कम्बशन के लिए, गर्म हवा अगर होगी, हॉट एयर होगी, तो आसानी से आपकी कम्बशन होती है। एंड अदर हीटिंग रिक्लेमिंग डिवाइसेस, काफ़ी और डिवाइसेस भी लगे होते हैं। नंबर वन इज़ फिर इसमें है बॉयलर। सो अ बॉयलर इज़ क्लोज्ड विसल। ये क्लोज्ड विसल होता है एक बड़ी आपके पास टैंक टाइप है, क्लोज्ड विसल सिलेंड्रिकल टाइप होता है, इन विच वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कोल कम्बशन। स्टीम बॉयलर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स।
आपके पास स्टीम बॉयलर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं मेनली, वन इज़ द वाटर ट्यूब एंड द अदर वन इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर्स। और ये आपके पास एक विसल होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसको, स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करता है, स्टीम सॉरी वाटर को कन्वर्ट करता है इनटू स्टीम में, और स्टीम एनर्जी आपके पास आ जाती है। और ये किस तरीके से होती है कि जी आप कोयले को कंबस्शन उसकी करते हैं, उसको जलाते हैं। ओके, इन अ वाटर ट्यूब बॉयलर वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स एंड द हॉट गैसेस ऑफ कंबस्शन फ्लो ओवर दीज ट्यूब्स। सिंपल सी बात, वाटर ट्यूब में क्या होता है कि बॉयलर में आपके पास ट्यूब्स होते हैं तो उसमें से आप वाटर फ्लो करते हैं और उन हॉट फिर उन ट्यूब से आप हॉट गैसेस जो होते हैं जो कंबस्शन करते हैं, जो आपके पास हीट एनर्जी होती है वो पास करते हैं। सो जो ट्यूब्स के अंदर वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द फायर ट्यूब बॉयलर किस तरह होता है कि हॉट प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन पासिस थ्रू द ट्यूब सराउंडेड बाई वाटर। आपके पास एक बॉयलर है वो पानी से आप भर लेते हैं और उसमें आपके पास ट्यूब्स होते हैं, तो ट्यूब से आप हॉट जो आपके पास वो मटेरियल होता है जो कि हीट होती है, हीट एनर्जी आप ट्यूब से पास करते हैं, तो उससे क्या होगा कि बॉयलर के अंदर जो वाटर पड़ा होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। एक में आपके पास वाटर ट्यूब में क्या होता है कि वाटर ट्यूब्स में फ्लो करता है, और फायर ट्यूब में क्या होता है कि फायर जो है वो ट्यूब्स में ट्रैवल करती है, या वो हीट एनर्जी जो है आपके पास हॉट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं इनटू ट्यूब्स। वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर फायर ट्यूब्स। वेज रिक्वायर्ड लेस स्पेस, स्मॉलर साइज ऑफ ट्यूब्स एंड ड्रम, एंड हाई वर्किंग प्रेशर ड्यू टू द स्मॉल ड्रम, लेस लाइबल टू एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। देयर फॉर द यूज़ ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैव बिकम यूनिवर्सल इन लार्ज कैपेसिटी स्टीम पावर स्टेशन। आपके पास वाटर ट्यूब्स के कई एडवांटेजेस हैं, जिस तरह आपके पास लेस स्पेस रिक्वायर होता है, साइज में कम, ड्रम इसका स्मॉल होता है, और हाई वर्किंग प्रेशर होता है, बिल्कुल हाई प्रेशर ड्यू टू स्मॉल ड्रम। स्मॉल ड्रम होता है तो वर्किंग प्रेशर हाई होगा, और एक्सप्लोजन वगैरह इसमें ज़्यादा मतलब डैमेज का ख़तरा नहीं होता, तो एक्सप्लोजन नहीं आकर होते हैं, लेस लाइबल होते हैं, दैट्स वाई इट हैज़ बिकम यूनिवर्सल। और ये दुनिया भर में वाटर ट्यूब टर्बाइन सॉरी बॉयलर जो हैं वो स्टीम पावर स्टेशन में यूज़ होते हैं। नंबर टू इज़ बॉयलर फर्नेस। सो अ बॉयलर फर्नेस इज अ चैम्बर इन विच फ्यूल इज़ बर्न टू लिबरेट द हीट एनर्जी। एन एडिशन इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड इनक्लोजर फॉर द कम्बस्शन इक्विपमेंट दैट इज़ बर्नर्स। आपके पास बर्नर्स लगे होते हैं वहाँ पर, और वो क्या करते हैं कि जी आपके पास एक चैम्बर होता है जहाँ पर फ्यूल जो है आपके पास ईंधन जो कोयला है वो आप बर्न करते हैं ताकि आप लिबरेट कर सकें, आप अपनी हीट एनर्जी ले सकें। द बॉयलर फर्नेस वॉल्स आर मेड ऑफ रेफ्रेक्टरी मटीरियल सच एज फायर क्ले, सिलिका, काओलिन एक्सेट्रा। दीज मटीरियल हैव द फॉलोइंग हैज द प्रॉपर्टी टू रिजिस्ट चेंज ऑफ शेप, वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज हाई टेम्परेचर्स। आपके पास ये जो रेफ्रेक्टरी मटीरियल से बनते हैं, जिस तरह फायर क्ले हो गया, आपके पास सिलिका हो गया, काओलिन हो गया, ये मुख्तलिफ मटीरियल हैं जिससे आपके पास बॉयलर फर्नेस बनती है, क्योंकि बॉयलर फर्नेस में आपके पास हीट कंबस्शन होती है और हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो इसकी जो मटेरियल होता है वो उसका शेप बिगड़ जाने का, उसका वेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़राब होने का खदशा होता है। तो क्या करते हैं कि ये ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं विच हैव द प्रॉपर्टी, जिसकी ये प्रॉपर्टी हो कि वो रिजिस्ट कर सकें चेंज ऑफ शेप को, कि मतलब उस वो हाई टेम्परेचर्स पे उसकी शक्ल ना बिगड़ सके, उसकी वेट में कोई मसला ना हो। क्योंकि अगर ये अक्कर होंगे तो आप फिर बॉयलर फर्नेस को चेंज करते रहेंगे, और जिससे आपका मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देयर आर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्नेस वाल। और जो फर्नेस के जो वाल्व हैं वो तीन तरीक़ों से कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्लेन रिफ्रेक्टिव वाल्व बनाते हैं हम, हॉलो रिफ्रेक्टिव वाल्व विद इन अरेंजमेंट ऑफ एयर कूलिंग, इस तरह हॉलो टाइप बनाते हैं जिसमें आप एयर गुजारते हैं ताकि कूलिंग सिस्टम हो। और वाटर वाल्व भी बनाते हैं आप, इसकी जो वाल्व हैं उसमें वाटर गुजारते हैं ताकि ये कूल रहें। अगर कूल नहीं रहेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जो फर्नेस के वाल्व होंगे वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो उसको कूल रखने इसलिए कूल रखते हैं ताकि हाई टेम्परेचर्स पे वो अपनी शेप चेंज ना कर सके। नंबर थ्री सुपर हीटर। सो सुपर हीटर इज़ अ डिवाइस विच सुपर हीट्स द हीट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जी आपके पास ये स्टीम को हीट करता है तो सुपर हीट करता है। इट रेजिज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज़्यादा इसको आप टेम्परेचर ये रेज करता है। दिस इंक्रीज द ओवरऑल एफिशेंसी ऑफ कंपाउंड। बिल्कुल
It increases the overall efficiency. A superheater consists of a group of tubes made of specially alloyed steel such as chromium, molybdenum, and these tubes are heated by heat of flue gases during their journey from the furnace to the chimney. The steam produced in the boiler is let through the superheater where it is superheated by the heat of flue gases. Superheaters are mainly classified into two types according to the system of heat transfer from flue gases to steam, etc. ये आप समझने की कोशिश करें कि जी सुपर हीटर क्या होता है कि जी ओवरऑल एफिशिएंसी को ज़्यादा करता है और ये स्पेशल एलॉय स्टील से बनते हैं, क्रोमियम मोलिब्डेनम से. इसके अलावा जो है ये ट्यूब्स क्या करते हैं कि जी फ्लू गैसेस जब आप पास करते हैं जो कि फर्नेस से चिमनी की तरफ, तो ये फ्लू गैसेस जब इससे पास होते हैं तो वो रेज करते हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर अबव द बॉइलिंग पॉइंट. तो इससे क्या होता है कि जो स्टीम की टेम्परेचर है वो और भी बढ़ जाती है और वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है जिसको आप ड्राई स्टीम भी कहते हैं. सो इसके दो टाइप्स हैं, वन इज़ द रेडिएंट, वन इज़ अदर वन इज़ द कन्वेक्शन. आपके पास हीट ट्रांसफ़र के टू मोड्स होते हैं, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन. तो उसमें एक रेडिएंट सुपर हीटर है, आपके पास एक कन्वेक्शन सुपर हीटर है. तो ये दो टाइप्स हैं. इसके बाद आता है इकोनोमाइज़र. इट इज़ अ डिवाइस विच हीट्स द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू बॉयलर बाय ड्राइविंग हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस. दिस रिजल्ट्स इन रेजिंग बॉयलर एफिशिएंसी, सेविंग इन ए फ्यूल एंड रिड्यूस स्ट्रेसेस एंड द बॉयलर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर. An economizer consists of large number of closely spaced parallel steel tubes connected by headers of drums. The feed water flows through these tubes and the flue gases flow outside. A part of the heat of flue gases is transferred to feed water, thus raising the temperature of latter. देखें वाटर जब आता है आपके पास, जब हम आगे जाके फिर वर्किंग बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जब आपके पास वाटर आएगा फीड वाटर सिस्टम से या रिवर से या ट्रीटमेंट प्लांट से, तो उस वाटर की टेम्परेचर नॉर्मल होती है. तो क्या करते हैं कि जी आप उसको इकोनोमाइज़र से पास करते हैं. तो इकोनोमाइज़र क्या होते हैं कि ये पाइप्स होते हैं और उन पाइप्स में से फिर आपका जो फ्लू गैसेज होते हैं जो कि आपके पास बर्निंग के बाद जो एक्स्ट्रा जो गैसेज होते हैं, जो गर्माइश होती है जो कि पास होती है इकोनोमाइज़र से, वो क्या करती है कि जी इन पाइप से पास होती है. जब पाइप से पास होती है तो व्हाट विल हैपन दैट इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन दैट पाइप्स. और वो जब गर्म बात जाता है तो गर्म पानी जब बॉयलर को मिलेगा तो आसानी से वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्टीम में, जिसकी वजह से ये इकोनोमाइज़र क्या करता है, ये इट हेल्प्स अस इन रेजिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी. और इसकी एफिशिएंसी जो है आपके पास बढ़ जाती है. सो इकोनोमाइज़र इज एक्चुअली अ डिवाइस विच हीट्स द फीड वाटर. फीड वाटर जो होता है, जो बॉयलर को आप देते हैं, जो ऑन इट्स वे जब वो रास्ते में होते हैं टू द बॉयलर, सो हीट आप ड्राइव करते हैं फ्रॉम द फ्लू गैसेस और उसकी कन्वर्जन आप उसकी टेम्परेचर रेज करते हैं और फिर वो गर्म पानी आप बॉयलर को देते हैं ताकि बॉयलर आसानी से जो है गर्म पानी को कन्वर्ट कर सके स्टीम को, उसको कम हीट की ज़रूरत पड़ेगी. सो इट रेजेज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी. आपका जो फ्यूल कॉस्ट होगा, सेविंग इन फ्यूल होगा, जो कि फ्यूल ख़र्चा होगा वो भी आपका कम पड़ जाएगा. और मुख्तलिफ़ इसके जो बॉयलर में मुख्तलिफ स्ट्रेसेस होते हैं हाई टेम्परेचर में आप फीड वाटर के, तो उसके स्ट्रेसेस को भी रिड्यूस करता है. एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर जनरली कैन नॉट फुली एक्सट्रैक्ट द हीट फ्राम द फ्लू गैसेज. So therefore preheaters are employed which cover some of the heat in the escaping gases. The function of an air preheater is to extract heat from the flue gases and give it to the air being supplied to the furnace for coal combustion. This raises the furnace temperature and increases the thermal efficiency of plant. Depending upon the method of transfer of heat from the flue gases to air, air preheater are divided into the following two classes: recuperative type and regenerative type. आपके पास एयर प्रीहीटर क्या करता है कि जी इकोनोमाइज़र सुपर हीटर वो पूरा का पूरा वो हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते. तो एयर प्रीहीटर से जब फ्लू गैसेस हर पास होते हैं तो आप जो हवा ड्राफ्ट के ज़रिए इनहेल करते हैं या लेते हैं, तो वो क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करेंगे जब आप, तो वो हवा जब गर्म उधर बॉयलर में मिलेगी गर्म हवा, तो इससे भी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. और फ्लू गैसेस से हम ये काम भी रास्ते में ले लेते हैं. और इसके दो टाइप्स हैं, वो भी आप डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको समझाने के लिए कि एयर प्रीहीटर के दो टाइप्स. अच्छा, यहाँ पर कुछ डिफिनीशन हैं उसके, उसको छोड़ें आप.
नंबर टू पर आपका सेक्शन है कंडेंसर. सो कंडेंसर इज़ अ डिवाइस विच कंडेंसेस द स्टीम एट द एग्जॉस्ट आफ्टर बाइंड. इट सर्व्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. फर्स्टली इट क्रिएट्स अ वेरी लो प्रेशर एट द एग्जॉस्ट आफ्टर बाइंड, दस परमिटिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द प्राइम मूवर टू अ वेरी लो प्रेशर. दिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग स्टीम हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इन टू द मैकेनिक एनर्जी इन द प्राइम मूवर. सेकेंडली द कंडेंस स्टीम कैन बी यूज एज फीड वाटर टू द बॉयलर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडेंसर, नेमली जेट कंडेंसर एंड सर्फिस कंडेंसर. आपके पास कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है कि जी आपके पास जो स्टीम टर्बाइन से फारिज होगा, टर्बाइन में अपना काम करने के बाद जो स्टीम आपके पास होता है तो क्या करता है कि जी उसका उसके दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं. एक ये होता है कि बहुत लो प्रेशर क्रिएट करता है एट द एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम टर्बाइन, दस परमिटिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द प्राइम मूवर टू अ वेरी लो प्रेशर. तो टर्बाइन में जो है लो प्रेशर पे वो एक्सपेंशन हो जाती है. दिस हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इन टू द मैकेनिकल. और यही बात है कि जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा प्राइम मूवर में एक मददगार होता है. और सेकेंडली ये है कि द कंडेंस स्टीम कैन बी यूज एज अ फीड वाटर टू अ बॉयलर. आप जो स्टीम कंडेंस करेंगे तो वो फिर पानी बन जाएगा और उसको बॉयलर में दे देंगे, तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए पानी की फ्रेश पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वही पानी आप यूटिलाइज़ करेंगे जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो इसके दो टाइप्स हैं, जेट कंडेंसर एंड सरफेस कंडेंसर. ये जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बारे में थोड़ा बहुत है डिटेल, आप देख लें इसको पीडीएफ स्लाइड में. वन वाज द जेट एंड द अदर वन वाज द सरफेस कंडेंसर. ओके, द थर्ड वन इज़ द प्राइम मूवर. सो द प्राइम मूवर कन्वर्ट स्टीम एनर्जी इनटू मैकेनिकल. सिंपल सी बात, पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि जी आपके पास टर्बाइन क्या करता है, प्राइम मूवर्स क्या करते हैं. टर्बाइन्स आर एक्चुअली प्राइम मूवर्स. सो वो स्टीम एनर्जी को, इस केस में स्टीम पावर प्लांट में स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी. आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या करता था कि वाटर की जो एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी, उसको कन्वर्ट करती थी इनटू मैकेनिकल. यहाँ पर स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टीम पावर स्टीम प्राइम मूवर्स. वन इज द स्टीम इंजन एंड द स्टीम टर्बाइन. अ स्टीम टर्बाइन हैज़ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ स्टीम इंजन एज अ प्राइम मूवर. आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक स्टीम इंजन होते हैं, एक स्टीम टर्बाइन होते हैं. लेकिन स्टीम टर्बाइन को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल है ओवर द वो, क्योंकि हाइयर एफिशिएंसी है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, लेस फ्लोर एरिया रिक्वायरमेंट्स है एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट. देयरफॉर ऑल मॉडर्न स्टीम पावर स्टेशन एम्प्लॉय स्टीम टर्बाइन एज प्राइम मूवर. तो स्टीम टर्बाइंस को ही हम यूज़ करते हैं और स्टीम टर्बाइन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मूविंग ब्लेड्स. दो किस्मों में हम इसको डिवाइड करते हैं, वन इज़ द इंपल्स एंड द अदर वन इज़ द रिएक्शन टर्बाइन. सो एन इंपल्स टर्बाइन क्या होता है, रिएक्शन, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप इसको ज़रा देख लें, समझ आ जाएगी आपको. लेकिन इंपल्स में एक इंपल्स होता है, रिएक्शन में रिएक्शन होता है, एक में एक्सियल होता है, एक में आपके पास वर्टिकल होता है, एक में नोजल होता है, एक में जेट के. तो आप ज़रा इसको देख लें, ये पहले हम पढ़ भी चुके. अच्छा, नंबर फोर्थ वन इज़ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. सो बॉयलर्स रिक्वायर क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर फॉर लॉन्गर लाइफ एंड बेटर एफिशिएंसी. बिल्कुल, बॉयलर को आपको बॉयलर को चाहिए साफ पानी और अच्छा पानी, साफ पानी, हल्का पानी, ताकि लॉन्गर लाइफ और बेटर एफिशिएंसी उसकी हो. हाउएवर द सोर्स ऑफ बॉयलर फीड वाटर इज जनरली अ रिवर. लेकिन बॉयलर को जब आप पानी देते हैं उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो आप रिवर से लेते हैं या लेक से लेते हैं, विच में कंटेन सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़. और आपको पता होगा कि रिवर का पानी पूरा का पूरा साफ नहीं होता, उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ गैसेज होते हैं डिजॉल्व. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ फर्स्ट प्योरीफाइड. तो आप पहले वाटर को प्योरीफाई करेंगे, उसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, साफ करेंगे एंड सॉफ्टन बाय केमिकल ट्रीटमेंट. उसको अगर वो हार्ड वाटर है तो उसको आप पहले सॉफ्ट वाटर बनाएंगे ताकि उसकी कोई केमिकल ट्रीटमेंट हो एंड देन डिलीवर टू द बॉयलर. फिर ट्रीटमेंट के बाद जो है आप बॉयलर में फीड अप करेंगे. सो द वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई इज स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक्स. द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर रिमूव थ्रू सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड कोएगुलेशन. डिजॉल्व्ड गैसेस आर रिमूव्ड बाय एरेशन एंड डी गैसिफिकेशन. द वाटर इज देन सॉफ्टेंड बाय रिमूविंग टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हार्डनेस थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस. द प्योर एंड सॉफ्ट वाटर दस अवेलेबल इज फेड टू द बॉयलर फॉर स्टीम जनरेशन.
वाटर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप अगर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्टेंट करते हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से, इसके अलावा उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो वो करने के बाद आप इसको बॉयलर में फीड अप करते हैं ताकि आपके पास बॉयलर की लाइफ स्पैन बढ़े और बेटर जो उसकी एफिशिएंसी हो। द लास्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सो अ मॉडर्न पावर स्टेशन कंटेन न्यूमरस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न पावर स्टेशन में यूज़ होते हैं वो अल्टरनेटर्स हैं। अल्टरनेटर इज कपल टू स्टीम टर्बाइन एंड कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टर्बाइन इनटू इलेक्ट्रिकल। द अल्टरनेटर में भी हाइड्रोजन और एयर कूल्ड, इसमें दो किस्में हैं फिर अल्टरनेटर के, एक हाइड्रोजन कूल्ड होता है एक एयर कूल्ड होता है, क्योंकि अल्टरनेटर की भी कूलिंग होती है, अगर कूल नहीं रखेंगे तो वो प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो बंद पड़ जाएगा, क्योंकि जब भी एक डिवाइस अपने लेवल से अपने एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा हीट अप होती है तो इट स्टॉप्स वर्किंग। द नेसेसरी एक्साइटेशन इज प्रोवाइडेड बाय मीन ऑफ मेन एंड पायलट एक्साइटर्स डायरेक्टली कपल टू द अल्टरनेटर शाफ्ट। आपके पास अल्टरनेटर के साथ मुख्तलिफ पायलट एक्साइटर्स लगे होते हैं जो कि आपके पास जो नेसेसरी एक्साइटेशन शुरू में जो आपको एक्साइटेशन वो मिलती है वो वही दे देती है। नंबर टू इज़ ट्रांसफार्मर्स। सो जनरेटिंग स्टेशन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, एक मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप अप द जनरेशन वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जब आप एनर्जी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, तो उसको आप ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप करते हैं और उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। स्टेशन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं विच आर यूज फॉर जनरल सर्विस, आपके मुख्तलिफ जनरल सर्विस के लिए लाइटनिंग वगैरह के लिए पावर स्टेशन में, तो उसके लिए स्टेशन ट्रांसफार्मर भी लगाए जाते हैं। और थर्ड वन इज़ द एक्सिलरी ट्रांसफार्मर विच इज़ अप्लाई टू द इंडिविजुअल यूनिट एक्सिलरीज। और मुख्तलिफ एक्सिलरीज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल इनफरादी यूनिट्स को उनके एक्सिलरीज को लगे होते हैं। स्विच गियर्स भी होते हैं इसमें। इट हाउसेज सच इक्विपमेंट विच लोकेट्स द फॉल्ट ऑन द सिस्टम एंड आइसोलेट द फॉल्ट पार्ट ऑफ फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। इट कंटेन्स सर्किट ब्रेकर रिलेज स्विचेज एंड अदर कंट्रोल डिवाइसेज। आपके पास जो होते हैं जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, रिलेज स्विचेज या मुख्तलिफ कंट्रोल डिवाइस, इसको स्विच गियर कहते हैं। तो स्विच गियर आप इसलिए लगाते हैं कि मुख्तलिफ हर जगह पे हर इक्विपमेंट के साथ आप स्विच गियर इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई फॉल्ट अकर हो तो वो फॉल्टी जो पार्ट होगा वो उसको आइसोलेट करता है, सर्किट ब्रेक करता है और पूरा जो और सेक्शन होता है उसको हेल्दी रखता है, मतलब उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचता। तो अगर सर्किट ब्रेकर कोई फॉल्ट अकर होता है तो सर्किट ब्रेकर जो होगा ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जी आपके पास फॉल्टी जो सेक्शन है वो आप आइसोलेट कर लेते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं, दोबारा से आप अपना जो फंक्शन है वर्किंग है वो आप स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे आप जा जाते हैं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप स्टार्ट लेंगे तो देखें कोल स्टोरेज में कोयला स्टोरेज करेंगे, कोल हैंडलिंग प्लांट क्या करेगा कि कोयले को हैंडल करेगा, बॉयलर की तरफ लेके जाएगा, बॉयलर के अंदर पूरा एक सिस्टम है, यहाँ पर बॉयलर फर्नेस भी लगा होता है जो कि कंबस्शन करता है कोयले की, कोयले की कंबस्शन के बाद इस बॉयलर में पानी भरा होता है। इस बॉयलर की टाइप जो होती है वो फायर ट्यूब भी हो सकती है, वाटर ट्यूब, लेकिन हमने ये पढ़ा कि बॉयलर हम यूज़ करते हैं। बॉयलर क्या करेगा कि वाटर को कन्वर्ट करेगा इनटू स्टीम और वो स्टीम इधर सुपर हीटर से गुजारते हैं, इसलिए कि इसकी टेम्परेचर हम और भी बढ़ाएं, वाल्व के थ्रू कंट्रोल करने के बाद प्राइम मूवर पर लेकर आ जाते हैं, जिसको स्टीम टर्बाइन भी कहते हैं, प्राइम मूवर है, और ये स्टीम एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मैकेनिकल एनर्जी और एग्जॉस्ट स्टीम इधर आ जाएगा। फिर ये मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। ये जो है पायलट एक्साइटर लगा हुआ है जो कि इनिशियली एक्साइटेशन इसको देता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, मुख्तलिफ आपके पास ऑक्सिलरीज स्विच गियर्स लगे हुए हैं और वो बस बार्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। स्टीम जो एग्जॉस्ट होगा वो इधर आ जाएगा कंडेंसर में, ये ताकि हम इसको कंडेंस कर सकें, इसकी ट्रीटमेंट कर सकें, इसकी कूल कर सकें, और रिवर से हम वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन, मुख्तलिफ प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेस करते हैं ताकि इसको सॉफ्टन कर सकें, और पानी को मुकम्मल सेट करने के बाद फीड वाटर पम्प के ज़रिए इकोनोमाइज़र से पास करते हैं, इसलिए कि जी फ्लू गैसेस जो यहाँ पर कंबस्शन के बाद खारिज होते हैं वो इसके टेम्परेचर को रेज़ कर सकें ताकि एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर बढ़ सके और इसको गर्म पानी मिले।
फिर एयर प्रीहीटर भी होता है ताकि हम जो फोर्स ड्राफ्ट फैन के ज़रिए जो एयर लेते हैं उसको हॉट कर सकें, और इट हेल्प्स इन द कंबस्टन प्रोसेस, और इसकी एफिशिएंसी एज अ होल जो आपके पास स्टीम जनरेटिंग सेक्शन है उसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ये फ्लू गैसेस इस इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन चिमनी के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। सो दिस इज़ द होल आइडिया अबाउट द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम टर्बाइन। सो फॉर नाउ इट्स इनफ, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप YouTube पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।